11th एडमिशन 2024, बिहार बोर्ड के जो बच्चे जिन्होंने 10th पास किया, मैट्रिक पास किया, अब उनको 11th में एडमिशन लेना है, बड़ी बेसब्री से 11th के मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, जबकि मेरिट लिस्ट है कि आने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी, 11th का मेरिट लिस्ट कब आएगा, मैट्रिक का मार्कशीट कब आएगा और इसमें देर क्यों हो रही है, इसके पीछे दो तीन बातें हैं। पहली बात तो आप ये दिमाग में रखिए कि कभी भी पहले आएगा तो मैट्रिक का मार्कशीट आएगा, पहले मैट्रिक का मार्कशीट आएगा, आपको अपने स्कूल से मैट्रिक का मार्कशीट मिलेगा और मार्कशीट लेने के बाद आपको अपने स्कूल से SLC यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या TC लेना होगा और उसके बाद जब सभी जिलों को, बिहार के सभी जिलों को मैट्रिक का मार्कशीट भेज दिया जाएगा, तब उसके बाद ही जारी होगा 11th का मेरिट लिस्ट। क्योंकि अगर उससे पहले जारी हो भी गया ना 11th का मेरिट लिस्ट, तो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपके पास ना मार्कशीट है ना SLC है, तो एडमिशन कहाँ से ले पाएंगे। अच्छा, बहुत सारे आपके दोस्त ऐसे भी होंगे जिन्होंने आपको कहा होगा कि हमने जहाँ से मैट्रिक पास किया था वहीं पर हमारा 11th में एडमिशन हो भी गया। ऐसे बच्चे अगर कुछ ऐसा कहते हैं तो उससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे कह रहे हैं, जिन बच्चों का एडमिशन 11th में हो चुका है, जहां से उन्होंने मैट्रिक पास किया वहीं पर उनका एडमिशन कर लिया गया, ऐसे बच्चे भी याद रखें कि उनका एडमिशन असल में हुआ ही नहीं है। असल में एडमिशन तब होगा ना जब मेरिट लिस्ट आएगा। और अगर ऐसा कोई बच्चा है जो एडमिशन ले चुका है और खुश है कि हम 11th में एडमिशन ले चुके हैं, तो ऐसे बच्चे याद रखें कि मेरिट लिस्ट आएगा तो उन्हें दोबारा एडमिशन लेना होगा और जहां उनका नाम आएगा, जिस स्कूल में नाम आएगा, वहां लेना पड़ेगा, तो एडमिशन उनका नहीं हुआ है। वैसे भी देखिए, एडमिशन जब होता है ना 11th में, तो एडमिशन जब आपको जब कॉलेज या प्लस टू स्कूल, इंटर कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि डिग्री कॉलेज में तो भाई इंटर की पढ़ाई खत्म कर ही दी गई है, तो या तो किसी इंटर कॉलेज या फिर प्लस टू स्कूल में जब आपका नाम आ जाएगा, जब वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, इंटीमेशन लेटर और फिर TC या SLC, आधार, पासबुक, सब डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, वहाँ पर जब आपका फ़ी वगैरह कट जाएगा, रसीद कट जाएगा, यानी वहाँ एडमिशन हो जाएगा, तो उस स्कूल वाले या फिर उस इंटर कॉलेज वाले क्या करते हैं कि OFSS के पोर्टल पर ही उनका एक अलग से लॉगिन ID और पासवर्ड होता है, तो उस पर वो लॉगिन करेंगे और आपका एडमिशन अपने स्कूल में अपडेट करेंगे, यानी यूँ समझिए कि एक्सेप्ट करेंगे। और जब वो अपडेट करेंगे ना, तो उसमें एक मैसेज आता है, उसमें लिखा रहता है योर एडमिशन हैज़ बीन अपडेटेड इन, और इन के बाद उस स्कूल का नाम रहता है। और ये जब हो गया तभी समझिए कि आपका फाइनल एडमिशन हुआ। और जब ये अपडेशन हो जाता है, जब स्कूल आपका एडमिशन अपडेट कर देता है, तभी ऐसे बच्चों का रजिस्ट्रेशन आगे हो पाता है। अभी जो कह रहे ना बच्चे कि हमने जहाँ से मैट्रिक पास किया वहाँ पर हमारा एडमिशन हो गया, ऐसे बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका एडमिशन हुआ ही नहीं है। क्योंकि जिस नियम के तहत उन्होंने एडमिशन लिया कि मैट्रिक पास जहाँ से हमने किया हमारा एडमिशन वहीं हो जाए, वो नियम ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। अब प्रक्रिया एडमिशन की वही होगी जो इससे पहले रहा करता था। तो पहली बात तो आपको यह समझ लेना है कि अगर कोई दोस्त आपका ऐसा कहता है तो उसे परेशान नहीं होना है। कभी भी एडमिशन होगा तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने के बाद होगा, इंटीमेशन लेटर आएगा उसके बाद ही होगा। अब यहाँ पर ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई पहले आएगा मैट्रिक का मार्कशीट, और मार्कशीट आएगा, मार्कशीट मिलेगा तब मिलेगा SLC। अब ये मार्कशीट आने में देर क्यों हो रही है और आएगा कब, मैट्रिक का मार्कशीट कब आएगा? तो देखिए, मार्कशीट की अगर हम जहाँ तक बात करें तो पिछले साल भी रिजल्ट जो मैट्रिक का था वो 31 मार्च को ही आया था, और इस साल 2024 वाला मैट्रिक का रिजल्ट भी 31 मार्च को ही आया, लेकिन पिछले साल मैट्रिक का मार्कशीट 2 जून को आ गया था, और इस साल देखिए जून खत्म होने वाला है पर अभी तक मैट्रिक का मार्कशीट नहीं आया है। रिजल्ट डेट दोनों साल का सेम है, फिर भी अब इस साल लेट हो क्यों रहा है, उसके पीछे एक बड़ा कारण है। आपको मैंने पिछले एक वीडियो में बताया भी था कि बिहार बोर्ड के दो ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर थे जिन्होंने क्या किया कि बच्चों से पैसे लेकर के और ऊपर, यानी कि उनका जो है मार्क्स फोलियो में नंबर कुछ और था और कंप्यूटर में रिजल्ट पब्लिश होने से पहले उन बच्चों का पैसे लेकर के नंबर बढ़ा दिया, फेल को पास कर दिया गया, सेकंड को फर्स्ट कर दिया गया, थर्ड को फर्स्ट कर दिया गया, नंबर खूब बढ़ा दिया गया, किसी का 400, किसी का 450, 472 ऐसे नंबर बढ़ा दिया गया। हालांकि इस जो रिजल्ट घोटाले की बात मैं कर रहा हूँ उसका पर्दाफाश हो गया, वो दोनों लोग पकड़े गए और जितने बच्चों का अवैध तरीके से, गलत तरीके से मैट्रिक में नंबर बढ़ाया गया था, उन सारे बच्चों का वापस से रिजल्ट चेंज कर दिया गया। आप में से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका रिजल्ट चेंज हुआ, जो फर्स्ट से थर्ड हुए हों, सेकेंड हुए हों, नंबर कम जिनका हुआ है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, तो ऐसे बच्चों का रिजल्ट चेंज हुआ। अब जब रिजल्ट चेंज हुआ, उससे पहले जो मैट्रिक के मार्कशीट को प्रिंट करने का, छापने का टेंडर था, यानी ठेका यूँ कहिए, उसका एक टेंडर होता है, वो प्राइवेट कंपनी को मिल चुका था, लेकिन
अब चूंकि बीच में रिजल्ट बंद चेंज हो गया, तो रिजल्ट चेंज होने के बाद वो प्रिंटिंग का काम जो कि मार्कशीट छापने का काम चल रहा था उसको रोकना पड़ा। अब संशोधित यानी बदला हुआ रिजल्ट प्रिंट करने का काम चल रहा है और इसी वजह से रिजल्ट में विलंब हो रहा है, मार्कशीट आने में विलंब हो रहा है। वरना अगर ये रिजल्ट चेंज ना हुआ होता, जो बच्चे का जैसा 31 मार्च को रिजल्ट आया जितना नंबर शो किया उतना ही नंबर अगर आज भी रहता तो आपका मार्कशीट आपके हाथ में होता। तो रिजल्ट बदले जाने की वजह से ये मार्कशीट को जो काफ़ी हद तक छप चुके थे उनको बदलना पड़ गया, छापने में फिर से देर हुई, इस वजह से मार्कशीट आने में भी देर हो रही है। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि जिन बच्चों का भी नंबर चेंज हुआ है, जब ऑनलाइन में पहले चेक कर रहे थे ज़्यादा दिखाई दे रहा था, अब चेक कर रहे हैं तो कम दिखाई दे रहा है, तो उनका जो मार्कशीट आएगा ना, मार्कशीट पर जो अब दिखा रहा है कम दिखा रहा है वही छप करके आएगा, क्योंकि आपका ओरिजिनल रिजल्ट वही है। तो ये बात समझ लीजिए कि मार्कशीट में देर क्यों हो रही है। तो मार्कशीट भी अब अगर देखा जाए तो ये मैंने पहले भी कहा था कि जून लास्ट होते होते या फिर जुलाई में आ जाएगा, और अभी भी मैं वही कहूँगा कि जून लास्ट होते होते या जुलाई स्टार्ट होते होते ये मार्कशीट आपका आ जाएगा, और मार्कशीट आएगा तुरंत 11th का जो मेरिट लिस्ट है बिहार बोर्ड का वो आ जाएगा। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी स्ट्रीम चुना है उस स्ट्रीम के हिसाब से जो भी सब्जेक्ट लेना है उसकी पढ़ाई कीजिए। मैंने पहले भी आपको सलाह दिया था कि पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई मत छोड़िए। ये नहीं कि ये मार्कशीट के चक्कर में, इंटीमेशन लेटर के चक्कर में या फिर मेरिट लिस्ट के चक्कर में हम 11th का अपना पढ़ाई ही छोड़ दें, पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आपका सितंबर में हाफ ईयरली एग्जाम भी होना है। तो जुलाई में मैक्सिमम बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही एडमिशन हो जाता है, इसलिए जुलाई में आपका एडमिशन तो तय है, लेकिन फिलहाल विलंब हो रहा है। और क्यों हो रहा है उसका कारण मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, अगले अपडेट के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में।